स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। वीडियो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है जो ये ग्लैमर F1 बाइक था और मैंने इसमें कार्बोरेटर लगाया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कार्बोरेटर लगाने में F1 वाला जो बाइक होती है इसमें क्या प्रॉब्लम होता है और क्या ठीक होता है। तो ओल्ड जो ग्लैमर 2013 का मॉडल बाइक है, इसमें ज़्यादा 10 साल जाने के बाद 8 साल जाने के बाद इसका फ्यूल इंजेक्टर जो सिस्टम है ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाता है और टैंकी में पंप रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यही जो फ्यूल इंजेक्टर एंड पंप, ये कुल मिला के 15,000-16,000 गिर जाता है, तब जाके बाइक हमारा स्टार्ट होता है और रनिंग होता है, पिकअप ठीक आता है और सब कुछ ठीक आता है। तो मैं इतना 15,000 क्यों खर्च करूँ इस बाइक पर? इस बाइक को चलाने के लिए एक कार्बोरेटर ही काफ़ी है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिना F1 सिस्टम का ये बाइक चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताता हूँ। ये जो सक्शन है, इसका सक्शन का जो नॉट बोल्ट सिस्टम है लेस से आपको बना, ये फैलेंजर जो है सुपर स्प्लेंडर बाइक का है, ये फैलेंजर सिस्टम को पहले इसके साथ मैचिंग करके दो छेद कर बना के 3 mm का पैच बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये फैलेंजर आसानी से फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद कार्बोरेटर इसमें लग जाएगा और वो जो सक्शन वाला जो है एयर फिल्टर में जो हॉर्स पावर का पाइप जाता है इसको आप घुमा देना पड़ेगा। ये साइड पहले था इधर पर और वो वाला साइड था इधर पर, तो मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया है। यहाँ से खोल के उसको एक्सचेंज कर लिया, उल्टा पुल्टा कर लिया है। जैसे कि ये वाला यहाँ था तो मैंने यहाँ कर लिया है। बस ये नट बोल्ट भी लग गया है और इसका हॉर्स पाइप का कनेक्शन भी हो गया। आप लोग ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर का हॉर्स पाइप रबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में नहीं मिला तो मैंने चलो सोचा इसी को लगा दूं, तो उलट पलट करके लगा दिया है। अब दोस्तों सोच रहा है आप F1 तो सिस्टम कार्बोरेटर फ्यूल सिस्टम बना दिया है, अब वायरिंग का क्या करें? वायरिंग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं पड़ेगा, ये CDI ही चलेगा, ठीक है। हर कोई चीज़ इसका ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इग्निशन कॉइल भी वही, लेकिन आपको मन में रखना पड़ेगा ये दोनों क्षमता को आपको बाइक में ही सेटिंग करके रखना है। कहीं भी जैसे कि मैंने कार्बोरेटर सेटिंग कर लिया है और फ्यूल इंजेक्टर का इसका कनेक्शन जो है इसे मैं लगा के रखूँगा और ये कार्बोरेटर का संसार है इसको भी हम लगा के रखेंगे। कहीं इसको खोल देंगे तो बाइक में करंट नहीं आएगा और इसको खोलने से भी करंट नहीं आएगा। दोस्तों फ्यूल का जो इंजेक्ट पंप का जो सॉकेट है इसे भी हम खोलेंगे तो नहीं आएगा। तो ये लगाने से क्या होगा, फ्यूल जो टैंकी में आपको दिखाता हूँ, टैंकी लाइए, इसके अंदर कनेक्शन है। मुझे क्या करना है, बाइक तो चालू हो गया, अब मुझे मीटर कंट्रोल में मुझे दिखाना है इसका पेट्रोल कितना है, उसका मीटर में शो करेगा। तो इसमें 4 वायर होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। 4 वायर है, ये दोनों वायर है फ्यूल मीटर का और ये दोनों वायर है, ये रेड में ब्लैक और वाइट में मिट्टी कलर का, ये दोनों दो साइड, ये साइड का है ऑयल पंप का, ऑयल फ्यूल पंप का है और ये साइड में दोनों जो है फ्यूल मीटर का है। तो ये दोनों वायर को मैंने इसके अंदर खोल लिया है, क्योंकि खोल लिया है मोटर काम नहीं करेगा और इसका कनेक्शन हम लगा के रखा है कि क्योंकि मीटर कंसोल में यहाँ दिखाएगा कितना इसका पेट्रोल है। तो ये आपको पता चल गया और इसके अंदर मैंने ये जो पाइप एक्स्ट्रा पाइप है इसको पाइप मैंने दिया है, इसके अंदर जो लाइन क्लियर कर लिया है, डायरेक्ट पेट्रोल यहाँ से आ जाएगा और ये कार्बोरेटर में चल जाएगा। अगर दोस्तों इससे अच्छा आप करना चाहते हो, कस्टमर से आप ज़्यादा पैसा ले सकते हो, तो दूसरे बाइक का एक टैंकी लेना पड़ेगा, बाइक टैंकी चेंज करना पड़ेगा। ओल्ड टैंकी से भी आपका काम हो जाएगा, इसका अंदर जो पेट्रोल टैप का नाट रहता है उसको कटने के बाद यहाँ झलाई करने के बाद पेट्रोल टैप आराम से लगा सकते हैं फ्यूल का डिलीवरी करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा ये ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, इसमें AC से हो जाएगा, डायरेक्ट पाइप लगा के इसको छेद करके और AC से पेट्रोल आ जाएगा। मैंने नाट लगा कर रखा है, नाट खोलेंगे तो पेट्रोल आएगा, इसीलिए बाइक में डायरेक्ट पेट्रोल चल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा, जब भी कोई कचरा चल जाएगा वो जो फ्लोट पिन पर, तो तेल ओवर का चांसेस ज़्यादा होता है और इसमें प्रॉब्लम होता है, यही एक ही प्रॉब्लम है जो पेट्रोल कभी भी बंद नहीं होगा। जितना भी टैंकी पर फ्यूल पर टैंकी में पेट्रोल रहेगा सब गिर जाएगा, मट्टी पर चल जाएगा। और ऑफ ऑन रहने से क्या होता, मुझे जब पता चला कि यहाँ फ्यूल ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं इसे ऑफ कर देता, लेकिन इसमें सिस्टम नहीं है। आप कर सकते हैं, कस्टमर को बोलिए भाई आपका टैंकी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑफ ऑन सिस्टम हो जाएगा। अगर चेंज नहीं करेगा तो कोई भंगार की दुकान में, लक्कड़ की दुकान में जाके दूसरे बाइक का टैंकी का नॉजल यहाँ से कट के इस बाइक में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने सेटिंग कर लिया हर कोई चीज़,
कार्बोरेटर भी लगा दिया हूँ, अब मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए टेंगे फिट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो कनेक्शन है मैं अभी लगा देता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। अब कार्बोरेटर का पाइप लगाओ, जाके कार्बोरेटर का पाइप लगाइए। देखो पेट्रोल आ रहा है, एकदम पेट्रोल आ रहा है, पाइप को लगा देंगे। बस तो दोस्तों हम यहाँ पॉप ऑन सिस्टम लगा सकते हैं। ओल्ड ग्लैमर बाइक हो, सुपर स्प्लेंडर हो, अगर ओल्ड मुझे टैंकी मिल जाए तो उसका जो यहाँ नॉजल सिस्टम है वो कट के हम झाल करके लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं था और कस्टमर ने बोला कि बात बाद में करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाइक को स्टार्ट करेंगे। तेल ऑन करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक पेट्रोल चल जाएगा कार्बोरेटर पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके, ठीक है। जैसे कि मैंने इग्निशन ऑन किया, और ये संसार आपको कोई ज़रूरत नहीं इसका कारण, यह संसार देखने का ज़रूरत नहीं, ये बिलिंग करने दे, बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। एकदम बाइक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और देखो कार्बोरेटर लगा है ये बाइक, ये फाइव का, ये जो ए फाइव बॉडी है, ठीक है, और ये फैलेंजर बॉडी है, सब कुछ चेंज कर दिया है। और ये हर कोई चीज़ को आपको किसी भी जगह पर रख देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ सेफ्टी फोन होगा, यहाँ कोई प्लास्टिक लगा के लेफ्ट आके इसे सेफ्टी जगह पे रख देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा, बाइक चलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से काम करते हैं, तो इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। अभी कार्बोरेटर को इसका कीमत है नया, अभी जेनुइन कार्बोरेटर है, 2100 रुपये इसका कीमत है, और इसका लेद में ये काम करना पड़ा, और मैकेनिक चार्ज है, दो दिन लग जाता है, एक दिन लग जाता है काम करने में, बस इतना ही आपका खर्चा आएगा। अगर आप सोचते हैं इससे अच्छा करेंगे तो टैंकी चेंज करना पड़ेगा, टैंकी का कीमत है 7000 रुपया, 7000, यहाँ 2000, 8000, 12000, 10000 आराम से अच्छा से अगर करेंगे तो हो जाएगा, और नॉर्मल से करेंगे करने से 3000, 3500 में हो जाएगा। तो वीडियो कैसा रहा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर हाजिर होऊंगा अगला वीडियो लेके।